चले इस बीच महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन में रूसी हमले का आज 62वां दिन है। कई शहरों पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी है। खारकीव से लेकर कीव तक भीषण हमले जारी है। बड़ी खबर इस बीच महायुद्ध से जुड़ी आपको बता दें, यूक्रेन में आज 62वें दिन भी लगातार रूस हमले कर रहा है और उन तमाम शहरों को निशाना बना रहा है जिन शहरों पर निशाना बनाकर रूस ये चाहता है कि वो यूक्रेन को बैकफुट पर ढकेल दे। तबाही की हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत अब तक पहुंचा रहा है और 62वें दिन युद्ध क्षेत्र के हालात क्या है, युद्ध क्षेत्र का मंजर क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन तमाम तस्वीरों के साथ लगातार सवाल यही है कि आखिर ये महायुद्ध कब थमेगा। आज 62वां दिन इस महायुद्ध का है, थमने की बजाय और तेजी के साथ बढ़ता हुआ। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 62 दिन पूरे हो चुके हैं और रूस के हमलों से यूक्रेन में चारों तरफ हाहाकार है। रूस ने यूक्रेन के लीव शहर पर मिसाइल से हमला किया जिसके बाद पूरा शहर दहल उठा। रूस और यूक्रेन की सेनाएं भी अब आर पार की जंग लड़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिएगा। महायुद्ध का 62वां दिन, रूस का यूक्रेन पर भीषण प्रहार। यूक्रेन के शहरों में हाहाकार, मिसाइल हमलों से दहला लीव। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले का 62वां दिन है और यूक्रेन के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आसमान से बमों की बारिश, यूक्रेन के शहर बम गोले की आवाज से गूंज रहे हैं। लीव से लेकर खारकीव तक रूसी सेना की भीषण बमबारी लगातार जारी है। ये तस्वीरें यूक्रेन के शहर लीव पर मिसाइल हमले की है। आसमान से एक मिसाइल तेज रफ्तार के साथ इस इमारत पर आकर गिरती है जिसके बाद भीषण विस्फोट हो जाता है। मिसाइल के ब्लास्ट होते ही आग का विकराल गोला आसमान की तरफ उठने लगा जिसके बाद धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में रूस के चौतरफा हमलों के बीच पश्चिमी शहर लीव पर रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया है। ये तस्वीरें यूक्रेन के शहर मारियोपोल की है। खंडर हो चुके इस शहर में ये रूसी टैंक किस कदर आग बरसा रहे हैं। अब ये इमारत मलबे का ढेर बन चुकी है और टैंक लगातार गोलों की बरसात कर रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है तो दूसरी तरफ उसकी सेनाओं पर भी हमले तेज कर रहा है। क्रिमिना क्षेत्र में यूक्रेनी बलों पर हमला करते ये रूसी सैनिक है। देखिए सैनिक गड्ढों में छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। युद्ध के बीच रूस के ब्रांस्क में तेल डिपो पर भीषण आग लग गई। हालांकि आग किन वजहों से लगी है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तेल डिपो पर आग के बाद पूरे शहर को काले धुएं ने अपने आगोश में ले लिया। आम लोग दहशत में आ गए। दोनों देशों की विनाशकारी जंग को 62 दिन हो चुके हैं लेकिन रूस ने यूक्रेन पर कोहराम मचाना बंद नहीं किया है। ताबड़तोड़ हमलों से शहर दर शहर दहल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। तो रूस के हमलों से यूक्रेन का शहर खेरसन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। खेरसन पर लगातार हमले जारी हैं। रूस इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। दरअसल खेरसन सामरिक और आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा अहम शहर है। हमलों के बाद शहर से बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। खेरसन की तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और वहां पर ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या है समझिएगा। शहर छोड़कर भाग रहे हैं लोग। खेरसन से हो रहा है पलायन। ये तस्वीरें दक्षिण यूक्रेन के खेरसन की बताई जा रही हैं। लोग गाड़ियों से जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि डर के मारे लोग खेरसन छोड़ रहे हैं। खेरसन शहर से भाग रहे हैं क्योंकि रूस यहां जनमत संग्रह कराने जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि खेरसन में रूस बड़ी गड़बड़ी करा के इसे भी आजाद घोषित करवा देगा। इसी से यूक्रेन और खासकर खेरसन में खलबली मची है। खेरसन शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की कतार दिख रही है। लोग अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिक उन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं। पूरे खेरसन प्रांत में भी भीषण जंग हुई है। कई इलाके गोलीबारी का दंश झेल रहे हैं। यूक्रेन का बड़ा दावा, खेरसन में जनमत संग्रह करा रहा है रूस। ये माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन को बांट देना चाहता है। वो पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर पूरा कंट्रोल कर लेना चाहता है, जिससे यूक्रेन की सैन्य और व्यापारिक शक्ति कम हो जाए। यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि रूस खेरसन को अलग कर देना चाहता है। इसके लिए वो वहां जनमत संग्रह कराने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। माना जा रहा है कि 1 से 10 मई के बीच ये जनमत संग्रह हो सकता है। इसके लिए बैलेट पेपर भी छप रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस अपने हिसाब से ये कराएगा। डोनेस्क और लुहांस की तरह रूस खेरसन को भी अलग कर देगा। चौबीस फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी थी। फिर इसके बाद यूक्रेन में सेना भेज दी, जिसे रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है। अगर दक्षिण यूक्रेन का खेरसन भी यूक्रेन से अलग हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।